देखो ये क्या है हमारे पास में अभी, क्या है ये? नक्शा। नक्शा है, एक लड़की है शाहिदा नाम की, क्या नाम है उसका? शाहिदा। तो ये शाहिदा के घर के आसपास का इलाका है, क्या है? आसपास का इलाका। तो ये हमारा नॉर्मल फोटो है, ऐसा लग रहा है किसी ने बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहकर इसको फोटो को काढ़ा हुआ है। अब हम इसका क्या बनाएंगे? खाका बनाएंगे, खाका। खाका बोलते हैं। एक नक्शे का एक तरीका है जिसमें हम लोग असल चीजें, असल चीजें मतलब क्या, हकीकत में वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, घोड़ा दिख रहा, स्टैचू दिख रहा, एक घर दिख रहे, ये दरख्त दिख रहे ना, तो ये हकीकत में ऐसे दिखते हैं, ओरिजिनल में भी ऐसे दिखते हैं और फोटो में भी दिख रहे हैं, बट हम लोग जी इनको बदल के इनके दूसरी चीजें रखेंगे, यानी उसकी निशानी रखेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग अभी इसका खाका बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी नक्शे को मतलब जब हम खाका बनाते हैं तो उस जगह का जो मेन चीज है, सबसे बड़ी बड़ी चीजें क्या है, तो अभी हम लोग सबसे पहले रास्ता और जो नदियां होती है सबसे पहले वो बनाते हैं। जी तो इसमें जो रास्ता दिख रहा है हमको पहले वो बनाएंगे। देखो कौन कौन से रास्ता है इसमें, ये मेन रास्ता है और ये एक छोटे छोटे जो बारीक बारीक गलियां हैं, ठीक है? तो हम लोग जी सबसे पहले मेन रास्ता बनाएंगे। इस तरीके से हमारे जो रास्ते बन गए, ठीक है? जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज के लिए अब अलग अलग निशानियां बनाएंगे सबसे पहले, तो ठीक है? तो अभी जो दिखते दर्द दिख रहे हैं, एक काम करते हैं, पहले जितने घर है यहाँ पे, घर कितने, देखो ये एक घर है, ये वाला एक घर है, ये वाला एक घर है, ठीक है? ये शाहिदा का सहेली का घर है यहाँ पर, ठीक है? और ये फिर कौन है, ये भी ऑफिस है, ये एक घर है, ठीक है? ये क्या है, आपकी पुलिस कॉलोनी है, ये पुलिस चौकी है, और ये जिला टेलीफोन मरकज है, शाहिदा का स्कूल है, बाग है, अस्पताल है, और ये बाजार है, और ये पोस्ट ऑफिस है। तो घर कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5, जी ये होटल है, 5 घर है, ठीक है? अब हम 5 घर के लिए पहले निशानी बनाएंगे। घर की निशानी क्या बनाएंगे, देखो हम ये घर की निशानी है, इसे ये हमारी घर की निशानी है, ठीक है? क्या ये घर हकीकत में घर कैसे दिख रहा है, ऐसे, मगर हमने उसकी निशानी क्या बनाई है, छोटी। इस तरीके से सलामत बने। अब दूसरा घर बनाएंगे हम लोग, ठीक है? अब इसमें जो दरख्त हमको दिख रहे हैं, हम दरख्त को भी हम एक निशानी से दिखाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक दरख्त है, दरख्त कैसी निशानी देंगे, देखो हम लोग ऐसी ऐसी और ऐसी गोल, जैसे हमारा पेड़ होता है ना, ऐसे गोल देंगे, ठीक है? एक, तो जो हमारे दरख्त की निशानियां थी हम लोगों ने बना दी, दरख्त को हमने किससे निशानी दी, इस तरीके से हमने दरख्त बना कर दिया, ठीक है? जी अब हमारे जो दरख्त, अभी देखो हमारे जो घर है उसमें हम लोग काला कलर भर देंगे, जो घर है उसमें हम लोग काला कलर। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें ब्लैक कलर भर दिया, ठीक है? अब दरख्तों में हम लोग हरा कलर भर देंगे इस तरीके से, ठीक है? दरख्त जो है हमारे इस तरीके से हरे रंग के रहेंगे, है ना? जी हाँ। दरख्तों का कलर हरा होता है ना हमारे, तो दरख्तों को हमने हरे रंग से, मतलब दरख्त की जो निशानी है वो इस तरीके से हरे रंग की निशानी दरख्त की है, ठीक है? जी हाँ। अब हम बाकी की निशानियां बनाएंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये मुजस्समा है, ठीक है? तो मुजस्समा कितना बड़ा है, कैसे दिखाई दे, फोटो में दिखाया, हम इसकी निशानी बना देंगे यहाँ पर। तो उसकी निशानी क्या बनाएंगे हम लोग, एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, छोटा सा डॉट, उसके बाजू में एक और सर्कल। तो ये जो निशानी किसकी है, हकीकत में ऐसा दिख रहा है, बट हम लोग हमारी पहचान के लिए इसकी निशानी किसी दी हम लोगों ने, ऐसे उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे हम लोग, मुजस्समा, ठीक है? अब देखो, अब हमारा जो ये है, यहाँ पे बस स्टॉप दिए हुए, देखो दो तीन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस स्टॉप दिया हुआ है, ये यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, और यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है ना, दिख रहा है? मतलब ये एक बस जी स्टॉप है, हाँ कहाँ पे नहीं कहाँ है दिखाओ मुझे, अरे आते वो एम्बुलेंस है, देखो ये ये एक बस स्टॉप है, ये एक बस स्टॉप है, भी अच्छा ठीक, ये दो बस स्टॉप है, ठीक है? हम लोग बस स्टॉप की निशानी क्या बनाएंगे, अब देखो बस स्टॉप कहाँ पर है, दरख्त के पास में ना, तो अब बस स्टॉप के लिए हम लोगों ने जो निशानी बनाई, वैसे गोल बनाइए एकदम, जो पूरा गोल है बड़ा वाला वो क्या है, बस स्टॉप, और जिसमें सर्कल में सर्कल है कौन सा है, मुजस्समा है एक, और ये दूसरा आपका बस स्टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है,
तो ये बस स्टॉप एक यहाँ पर है। तो हम लोगों ने बस स्टॉप के लिए दो बड़े बड़े सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा गार्डन है, गार्डन है ना हमारा वहां पर, अब हम गार्डन को करेंगे कलर, ठीक है। तो पूरा के पूरा गार्डन है तकरीबन ये, तो गार्डन को हम लोगों ने क्या किया है, हरे रंग के बॉक्सेस, मतलब हम निशाने देखो कितने लेंगे, निशाने देखो कितनी छोटी सी निशानी, ये क्या है हमारी निशानी, गार्डन के लिए निशानी। बट अब गार्डन कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो ऐसी बहुत सारी निशानियां हम एक के बाजू में एक रखेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा पूरा गार्डन, पूरा एक कलर का हो जाएगा गार्डन। तो हम लोग इसको पूरा ऐसे तो देखो हमारा जो गार्डन था, हमने एक बॉक्स के ऐसे इतना बड़ा गार्डन था, इसलिए हम लोगों ने उसको पूरा एक कलर से भर दिया। तो ये अगर हमने आपको बोला कि ये जो निशानी है, इतनी सी निशानी मैंने आपको बताई और पूछा कि किसकी है, तो आप क्या बोलेंगे, यानी बाग की है, बागीचे को हम लोग, ठीक है, बागीचे की निशानी है। अब हम बनाएंगे हमारा जो अस्पताल है जिले का, उसको बनाएंगे हम, ठीक है। क्या बनाएंगे, अस्पताल, जिले का अस्पताल कहाँ पर दिया हुआ है, तो जिले के अस्पताल के लिए हम लोग क्या निशानी इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोगों ने गार्डन के लिए छोटे से निशानी इस्तेमाल करे थे, इसके लिए हमने गार्डन के लिए कौन से इस्तेमाल किए थे, पोपटी रंग, इसके लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, असमनी रंग, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी, ये एक निशानी होगी, बट कितना बड़ा है दवाखाना, जो अस्पताल है बहुत बड़ा है, तो हम लोग पूरा ऐसे कैसे, इतना बड़ा है ना वो दवा अस्पताल, इस तरीके से छोटी छोटी निशानी, जैसे एक निशानी होगी ना तो दूसरी निशानी, उसके बाद में तीसरी, तो ऐसा जो है पूरा एक रंग का बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने ये बना लिया है, तो हमने हर एक चीज के बदले में यहाँ पे एक निशानी रखी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने, देखो जैसे कि बाजार की जगह, हमने देखो जगह उतनी ही है ना, बाजार कितना ही बड़ा, हम लोगों ने नीले कलर से जाहिर किया हुआ है बाजार को, जाहिर किया हुआ है हरे रंग से दरख्तों को, जाहिर किया हुआ है। तो इसको जो हम इस तरीके से जो हमने इसको बनाया था, क्या बोलते हैं हम लोग, खाका, खाका, किसी भी जगह का, किसी भी इलाके का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाका, नक्शा ही है, नक्शे की एक शक्ल को हम लोग खाका कहते हैं, क्या बोलते हैं, खाका, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो इस नक्शे में बहुत सारी चीजें, यहाँ पे लोग है, ये यहाँ पर एक कुत्ता है, यहाँ पर ये बाइक है, वो तो वो मूर्ति है, वो चलता नहीं, हो ये चलने वाली चीज है, यहाँ गाड़ी है, कुत्ता है, यहाँ लोग है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वो हम लोगों ने लिए के यहाँ पर नहीं, नहीं। तो क्या होता है कि जब भी आप खाका बनाओ या नक्शा बनाओ, तो उसमें ऐसी चीजें नहीं लेते जो चल फिर कर सकती है, यानी जो यहाँ से वहां जाएंगी, ऐसी कोई भी चीज हम लोग इसके अंदर, नक्शे के अंदर नहीं लेते, जैसे कि गाड़ी है, जानवर है और इंसान है, इनमें से कोई भी चीज हम लोग इसमें नहीं लेते, नहीं लेते, क्योंकि वो अगर आपने नक्शे में यहाँ पे बना दिया उसको और वो यहाँ चली गई, तो फिर इसीलिए हम लोग नक्शे में जानवर, इंसान और किसी भी तरीके की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, वो हम लोग दिखाते नहीं नक्शे में, जाहिर नहीं करते। उसके अलावा जो चीजें उसी जगह पर रहने वाली, वो उस जगह से कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी चीजों को हम लोग नक्शे में बताते हैं। समझ में आ गया आप लोगों से।